सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी के साथ धोखा या इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का नुकसान हमारी वजह से या किसी की वजह से हमारा हो तो हमें दुख होता है। तो जिसने भी ये 2 नंबर वीडियो बनाई है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फेक वीडियो या इस तरह की फेक रेसिपी जिससे किसी का नुकसान हो ये नहीं करनी चाहिए थी। आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। निकम्मापन कह ले, मैं निकम्मी हूँ निकम्मी हूँ या नहीं हूँ, है वो जो थी ना रेसिपी कड़ाऊ वो फेल हो गई। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं जी, मैं सबसे पहले बता दूँ मैं बना क्या रही हूँ। मैं ये बना रही हूँ कि मैं इसका मरुंडा बनाना चाह रही हूँ। मरुंडा चावल मरुंडा सॉरी, क्योंकि सर्दियों में गुड़ और चावल की फुलियों के साथ मरुंडा बहुत अच्छा बनता है और हमारे देहात की बहुत अच्छी सौगात है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं सेला चावल। सेला चावल जो जिससे आप जर्दा बनाते हैं ना, ये वो वाला चावल है और ये सख्त थोड़ा दूसरे चावल की निस्बत होता है। तो इसको पहले मैं क्या करूँगी कि इसको मैंने ये इसमें परात में ले लिया खुले बर्तन में। अब मैं थोड़ा सा तकरीबन थोड़ा सा नमक लूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर पानी करूँगी, थोड़ा सा ऐड करूँगी, थोड़ा सा बस इतना सा। अब मैं हाथों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी मैंने इसलिए ऐड किया है कि थोड़ी सी नमी लगेगी ना, तो नमक जो है ये चावलों के साथ अच्छे से लग जाएगा। तो ये मैंने लगा लिया है सारा नमक, देखिए इसके साथ लग गया है। ये हमारे मरुंडा जो है इसमें दो ही चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, एक होता है गुड़ और एक होता है चावल। चावल सेला है क्योंकि ये सख्त होता है, इसकी फुल्लियाँ बहुत प्यारी बनती हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसको रेस्ट दूंगी, फिर मैं इसकी फुलियाँ बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक परात लिया है, परात इसलिए ली है क्योंकि ना ज़रा मुझे खुला बर्तन चाहिए था, मेरे पास खुली कढ़ाई नहीं थी और इसको हल्की सी आँच चाहिए, तो इसलिए मैंने गैस पे इसको हल्का सा रखूँगी क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर इस तरह खुश्क करना है। बिल्कुल अभी सिर्फ इसने खुश्क होना है और इसका पानी जो नमी है ना वो हमने ख़त्म करनी है। अभी फुलियाँ इसकी नहीं बननी, तो फुलियों का जो है प्रोसीजर बाद में होगा। इसको मैं परात को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, इसको ना इतना कर लूँगी कि ये जैसे प्री हीट हो जाता है ना, तो इसके अंदर मैं डालूँगी ये वाले चावल। ये चावल डाल के ना इनको मैं करूँगी हल्के हाथों के साथ खुश्क। खुश्क इसलिए करूँगी कि ये ना नमक जो है ना इसके साथ चिपक जाए। फुलिया तो हालांकि नमक के अंदर ही बाद में फ्राई होनी है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसका पानी खुश करना है जो हमने इसको थोड़ा सा दिया है। तो उसके बाद फिर जो है थोड़ी सी फिर बाद में इसको इसकी। यहाँ पर हमारे चावल जो है ना ये खुश्क हो चुके हैं, इनका पानी सारा जो है ना वो बीच में जो नमी थी वो ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पता चलता है कि नमी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आवाज़ से आपको फील हो रहा होगा तो कैसे की आवाज़ आ रही है, आ रही है ना खनखनाहट, तो ये इनकी सारी जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, इनकी नमी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर इसको उतारती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अब मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगी, ये मैंने परात ही आटा गूंदने वाली रखी हुई आप भी कह रहे होंगे क्या बात है क्या बात है। तो मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में कोई काम मुश्किल नहीं है। यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें नमक, बस थोड़ा सा, इतना ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब इसको हम करेंगे गरम, नमक ये
नमक कर लियो गरम, लाइट चली गई है, फिर चला एकदम से हो गया। अब लोग देखिए इसका बिल्कुल भी फील नहीं करना, लाइट आ जाती है। अभी आ जाती है नमक काफी हद तक गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर डालेंगे घी या करेंगे फ्राई, हल्की आंच पे ही करेंगे और इंशाल्लाह इसके फूल जल्द बन जाएगा। बना के फिर ये मैंने बड़ी कोशिश की है, एक तो लाइट चली गई थी, दूसरी ये सारी तह जल गई हैं और इनके फूल नहीं बने, इसलिए हमारी आज की रेसिपी तो समझे खटाई की नज़र हो रही है, ये सारे फूल नहीं बने। जब फूल नहीं बनेंगे तो फिर जहरी बात मरूंडा भी नहीं बनेगा, इसलिए ये समझे कि आज की तो सारी रेसिपी जो है ना ये तो बेकार ही गई। खैर कोई बात नहीं, सीखने के बाद ही कुछ समझ आती है। खैर इसको फिलहाल तो हो गया कप, अब देखते हैं क्या करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले मैंने वीडियो में देखा था, देखा बहुत एक बड़ा चैनल था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि उन्होंने कहा था कि आप शैला चावल लें, उनको ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, सब कुछ किया, जल के कोला हो गए और अभी तक फूल के फूल नहीं बने। तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया, मैं समझी शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने उसको छोड़ दिया और फिर मैंने लिए दूसरे चावल बासमती, उनको भी मैंने सेम प्रोसेस सब कुछ किया लेकिन वो भी उनके भी फूल नहीं बने, बिल्कुल नहीं बने। तो उधर वीडियो पे लिखा था आप 30 रुपये के चावल लें और इतने वो बना लें मरूडे बना लें, ये कर लें वो कर लेंगे, देखे ये मैंने एक 110 रुपये के चावल लिए, बेकार बिल्कुल बेकार हो गए, नहीं फूल बने, गुड़ भी लाग रखा हुआ है, सब कुछ तैयारी करके रखी है लेकिन वो फूल ही नहीं बने, तो अब फ़ायदा नहीं है, जल के कोयला हो गया लेकिन फूल नहीं बने, यहाँ पे भी इनके फूल नहीं बने, एक भी नहीं ना फूल बना, ये एक छोटू सा है, इसको बस इसको फूल तो नहीं हम कह सकते, ये छोटू सा है, बाकी ये भी ज़ाया। और हाय आज तो सारा दिन ज़ाया, जो ब्लॉग बनाना था वो भी ज़ाया। तो अब मैं हूँ और जब सब आएंगे तो फिर बेचती लगाऊंगी, कि दो दफ़ा चावल ख़राब भी किए लेकिन बना भी कुछ नहीं है। खैर ये होते हैं तजुर्बे, तजुर्बे का ये फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट बंदा गलती करने की कोशिश नहीं करता। बासमती भी ज़ाया गया और ये सेला भी ज़ाया गया, गुड़ तो घर में था, खैर उसकी कोई बात नहीं, इसको फिर क्या करेंगे, फिर इसका कुछ करेंगे लेकिन फिलहाल कुछ नहीं करूँगी, बस होगी मेरी, बस होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे 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 बहन भाई, और सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ, ठीक नहीं भी हूँ, मेरे साथ हुआ है प्रैंक। मैंने एक वीडियो बहुत बड़े यूट्यूबर की देख के उसमें लिखा था कि 30 रुपये के चावल लें, सेला चावल लें और उनका मरूंडा बनाएं और बहुत प्यारा बनेगा, ये होगा वो होगा, मैंने 110 रुपये के भी चावल लाई, सेला भी लेके आई, सब कुछ किया वो फिर नहीं फूल बने, फिर मैंने बासमती चावल लिए, आज के दिन में दो काम किए लेकिन फिर तो यानी मरूंडा नहीं बन पाया। और मैं ये कहना चाहूँगी इस वीडियो के ज़रिए कि दो नंबरी बात नहीं करनी चाहिए, बात को क्लियर करना चाहिए। अगर आप लोग बाज़ार से भी ला के बीच में ऐड करें तब भी बताएं कि भाई आप बाज़ार से ले आएँ, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं आप करें हो जाएगा, तो ऐसा अगर नहीं हो रहा आपसे नहीं हो रहा, आज मुझसे नहीं हुआ तो ज़री बात है मुझे किसी को भी नहीं कहना चाहिए कि आप ये काम करें। खैर प्रैंक कह लें, क्या कह लें, निकम्मापन कह लें, मैं निकम्मी हूँ निकम्मी हूँ या नहीं हूँ, है वो जो थी ना रेसिपी कड़ाऊँ वो फेल हो गई, तो पिनियाँ वो कहते ना वो तो मरुंडे की जो बनी थी ट्रे भर भर के वो तो बिल्कुल भी नहीं बने, और 30 रुपये के बजाय तकरीबन 250-250 के चावल भी ख़राब हो गए लेकिन कुछ नहीं बना,
शायद अब भी मैं ही कहूँ, मैं यही कहूँगी शायद मुझसे कोई बीच में मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह कभी कोशिश करेंगे। लेकिन क्लियर बताऊंगी कि ये हो सकता है वो भी दो नंबरी करते हों, कि वो फूल से जो है बाज़ार से ला कर उसके अंदर ऐड करते हों, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर वो ऐसा करती हुई तो उनको क्लियर बताना चाहिए था, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ जो है मैं अब इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग पे, नई टॉपिक पे, किसी नई बात के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का, फैमिली का, अपने प्यारों का, और उन प्यारों का जो आपसे प्यार करते हैं, बदले में आपको भी उनको प्यार देना जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये जो होता है ये लेने का देना होता है और देने का लेना होता है। तो इसी के साथ, इस प्यारी सी बात के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, तो हमें याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।